सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम डिनोट करते हैं बाय जेड इफेक्टिव. न्यूक्लियर चार्ज इन एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड और इसको कर देंगे इस तरीके से, ऐसे डिनोट किया जाएगा. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब तो जानते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पर लगा रहा है वो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज. जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में उतना ज़्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज ऐसे बढ़ता चला जाता है, राइट. बट वॉट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है. जैसे सपोज, सपोज क्या मतलब, ये क्लास है राइट. लेट्स से क्लास में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक स्टूडेंट है और वो बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है, एकदम लास्ट बेंच पे. कोई भी स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ एक बच्चा है जो कि बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है. अब जब मैं पढ़ा रही होंगी तो मेरा पूरा ध्यान उस बच्चे पर होगा, वो बेचारा गर्दन भी नहीं ला पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली उसी को ही देख रही होंगी. मेरा पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर लगा हुआ है. अब सेकेंड सिचुएशन, बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, अभी भी वो पीछे ही बैठा हुआ है बच्चा, और बीच में आप सब बैठे हुए हो. तो अब जब मैं पढ़ाऊंगी तो कैसे पढ़ाऊंगी, सबको देखते हुए पढ़ाऊंगी, फिर उसको देखूंगी, सबको देखते हुए पढ़ाऊंगी, फिर उसको देखूंगी. तो मेरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर, वो अब सेकेंड केस में थोड़ा सा कम हो गया, राइट. सेम इज द केस विद द एटम. ये क्लासरूम हमारा एटम मान लो, मुझे मान लो न्यूक्लियस और आप सब इलेक्ट्रॉन्स. जो सबसे पीछे बैठा हुआ है बच्चा वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. सबसे लास्ट शेल वाला, सबसे लास्ट बेंच वाला वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और आप सब क्या हो, कोर इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, इस तरीके से. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है, वो उतना ना लग के उससे क्या होता है, कम. क्यों? क्योंकि बीच में कौन आ गए, बहुत सारे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शील्ड करते हैं, उसको स्क्रीन करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, बीच में बाधा है वो. तो जितना फोर्स लगना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, उतना फोर्स न्यूक्लियस का नहीं लग पाता इन इनर शेल के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग की वजह से वो न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम. दूसरा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो चलेगा ही चलेगा, उसका भी फर्क पड़ता है. तो दिस इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है उसको स्क्रीन कर रहे हैं, उसको शील्ड कर रहे हैं. एंड दिस इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. इसीलिए जो एक्सपेक्टेड न्यूक्लियर चार्ज होता है वो एग्जैक्टली नहीं लग रहा होता, उससे क्या हो जाता है, कम. और जो एग्जैक्ट में लग रहा होता है, दैट डिक्रीज्ड वन, इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जो वाकई में वर्क कर रहा होता है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो पहले हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को लिख लेते हैं. क्या लिखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट में, एक बार और बता दूं, क्या बता दूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आया. ठीक है, तो जेड लगना चाहिए था, इतना फोर्स लगना चाहिए था पर इतना नहीं लग रहा क्योंकि अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम. तो एक्चुअली में कौन लग रहा है, ये वर्क कर रहा है ना, एक्चुअल वाला तो न्यूक्लियर चार्ज ये हो गया. तो ये तो हुआ एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल, ये हुआ एग्जैक्ट जो लग रहा है, इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव. द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वाकई में लग रहा है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. दिस वन इज थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड कि भाई न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन के हिसाब से इतना लगना चाहिए, इतना लगना चाहिए वो ये है, पर इतना लग नहीं रहा, कितना लग रहा है, उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस. तो पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट लिख लेते हैं. लिखो द इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, द इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन द
force of attraction on the force of attraction exerted by the nucleus on the valence electron is called क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ठीक है. तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्ट है न्यूक्लियर चार्ज पर या न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, उसी को ही क्या बोला गया है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट. अब इस वजह से, स्क्रीनिंग की वजह से होगा क्या, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिख लो. ड्यू टू दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. इसी पॉइंट में आगे लिख लेना, दिस डिक्रीज्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. दिस डिक्रीज्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्लियर? अब ये कैसे पता लगाएंगे कि किसमें कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट है? भाई सब में एक बराबर तो नहीं होगा ना, डिपेंड करेगा अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. भाई अगर बहुत ज़्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जेड इफेक्टिव बहुत कम होगा, अगर कम है इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा होगा. दूसरा इफेक्ट करेगा कि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, एस पी डी एफ किस में प्रेजेंट है. तीसरा इफेक्ट पड़ेगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, क्या वो एस में, खुद वो एस में प्रेजेंट है या वो खुद डी में प्रेजेंट है, कहाँ है. तो कुछ कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन. और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं. ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट होता है बाय स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट या शील्डिंग कॉन्स्टेंट, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड विच इज कैलकुलेटेड बाय स्लेटर्स रूल. ठीक है, तो लिख लो फटाफट नेक्स्ट पॉइंट. द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्क्रीनिंग और शील्डिंग कॉन्स्टेंट. द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, जिसको डिनोट करेंगे बाय सिग्मा. ठीक है, विच इज कैलक्यूलेटेड बाय यूजिंग स्लेटर्स रूल. तो किसमें कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, ये हम सिग्मा के अकॉर्डिंगली एक्सप्रेस करेंगे. सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लेटर्स रूल से कैलकुलेट करेंगे. अब क्या है स्लेटर्स रूल, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. पहली कैटेगरी आ जाती है, अगर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल रहे हो किसी एस या पी इलेक्ट्रॉन पर, मतलब वो जो वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन है वो खुद एस या पी सबशेल में प्रेजेंट है. ठीक है, तो पहली कैटेगरी आ जाएगी सिग्मा फॉर एन एस और एन पी इलेक्ट्रॉन. अभी अपन एग्जाम्पल से समझेंगे. ठीक है, सिग्मा फॉर एन एस और एन पी इलेक्ट्रॉन. तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट, भाई हो सकता है जैसे आपके पास लेट्स से केस आ गया कि जो वैलेंस शेल है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 है फॉर एग्जाम्पल. ठीक,
अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन पर, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों में से एक पर कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है ये निकालो। तो इसको छोड़कर एक और इलेक्ट्रॉन है ना, इसको छोड़कर एक और इलेक्ट्रॉन है, उसका भी तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो चल ही रहा है ना। यस, तो पहला पॉइंट इसमें आ जाता है कि अगर सेम शेल का ही कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर सेम शेल का ही कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 0.35। अगर सेम शेल का ही NS या NP का ही दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है तो हर एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है 0.35, एक्सेप्ट फॉर 1s। मतलब अगर आप केस 1s2 का ले रहे हो, अगर आप केस 1s2 का ले रहे हो तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पर तो आप कैलकुलेट कर रहे हो, दूसरे के लिए वैल्यू 0.35 की जगह हो जाएगी 0.30। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फॉर सेम NS और NP इलेक्ट्रॉन सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी 0.35, एक्सेप्ट फॉर 1s। 1s के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, लिख लो। फॉर अदर NS और NP इलेक्ट्रॉन्स, फॉर अदर NS और NP इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इज इक्वल टू 0.35। फॉर अदर NS और NP इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 एक्सेप्ट फॉर 1s फॉर विच सिग्मा इज इक्वल टू 0.3। ठीक, फर्स्ट कैटेगरी में ही दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? ये तो था आउटर शेल, N का मतलब लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो शेल प्रेजेंट है यानी N-1। ठीक है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन N-1 में प्रेजेंट है तो उसकी, उसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू होगी दैट विल बी 0.85। ठीक है, तो इसी में ही सेकंड पॉइंट, इसी कैटेगरी में सेकंड पॉइंट, फॉर एवरी N-1 इलेक्ट्रॉन, फॉर एवरी N-1। तो अगर सपोज 4s की बात कर रहे हो तो 4s के अंदर कौन सा आ गया? थर्ड शेल आ गया, तो उसके इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.85। फॉर एवरी N-1 इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ सिग्मा विल बी 0.85। ठीक है, उसके अंदर भी तो कोई हो सकता है, जैसे फोर्थ शेल कर हमने निकाला तो फोर्थ शेल के अंदर कौन आ गया? थर्ड शेल। थर्ड शेल के अंदर भी तो सेकेंड शेल और फर्स्ट शेल प्रेजेंट है, तो N-1 के बाद जितने भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके लिए सिग्मा की वैल्यू होती 1। तो N के लिए ये वाला रूल आ गया, N-1 के लिए ये वाला रूल आ गया, और N-1 के अंदर अब जितने भी होंगे उन सबके लिए, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट लिख लो। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा? फॉर एवरी N-2 एंड अदर इनर इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एवरी N-2 एंड अदर इनर इलेक्ट्रॉन्स द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये किसके लिए निकाला हमने? S और P वाले के लिए, S इलेक्ट्रॉन के लिए और P इलेक्ट्रॉन के लिए। सपोज आप D या F इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो D सबशेल या F सबशेल में प्रेजेंट है, तो क्या होगा? उसके लिए रूल लिखते हैं। तो ये आ जाएगी हमारी सेकंड कैटेगरी, ये तो थी हमारी फर्स्ट कैटेगरी S और P के लिए। आ रहा है समझ में? ये वाली किसकी आ जाएगी? फॉर D और F इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो फॉर डी और एफ इलेक्ट्रॉन। अब सेम वही बात, सपोज जिस शेल में ये प्रेजेंट है
उसमें इनके अलावा भी और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला केस है ना, जिस भी शेल में, सपोज आप 3D की बात कर रहे हो, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है, आप उनमें से किसी एक पर इफेक्ट निकाल रहे हो, तो 4 तो बाकी है ना, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस, तो इनको छोड़कर इस वाले सब शेल में, सेम शेल के सेम सब शेल में अगर और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उनके लिए वैल्यू भी कितनी आएगी, 0.35. तो फर्स्ट पॉइंट इसका और इसका सेम रहेगा. ऑब्वियसली जैसे हमने यहाँ एक्सेप्ट फॉर 1s लिखा है, यहाँ पर हम 1d या 1f तो नहीं लिख सकते क्योंकि 1d 1f एग्जिस्ट ही नहीं करता. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस. तो फॉर अदर, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल एंड सब शेल. फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल और सब शेल द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 0.35. ठीक. और अब उसके अंदर वाले जितने भी हैं, चाहे -1 के हैं, चाहे -2 के हैं, चाहे -3 के हैं, जो भी हैं, है ना, उन सब के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1. ठीक है. सो फॉर ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स, फॉर ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 1. फॉर ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 1. एक बार सारे रूल्स देख लो, किसी में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो. अब हम इसके एग्जांपल करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा. ठीक, कहीं भी कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी पॉइंट खुलकर पूछो. कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बेटा डाउट पूछने में. डाउट पूछना तो एक सोशल कॉज है. बहुत सारे बच्चों का सेम डाउट होता है, वो डर के मारे पूछ नहीं पाते हैं, है ना, या हिचकिचाहट में पूछ नहीं पाते हैं. आप पूछोगे तो बहुतों का भला हो जाएगा. ठीक है, सो इट इज अ सोशल कॉज. डाउट डाउट मत रहने देना, पूछ लो. हैं अदर मतलब दूसरे, मतलब अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा ये वाला. फॉर अदर मतलब जैसे सपोज NP कोई भी अपन ले लेते हैं. लेट्स से आप 4p की बात कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन जो चला वो लेट्स से 4p5 हो गया लास्ट में. ठीक है, तो अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहे हैं ना स्क्रीनिंग इफेक्ट. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, निकालोगे तो किसी एक पर ना. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जिस पर आप निकाल रहे हो उस पर तो निकाल ही रहे हो, बाकी 4 का भी तो कुछ रोल होगा, तो वो 4 अदर हो गए. तो जिस पर आपको कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है उसके अलावा जो सेम शेल सब शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, वो अदर की कैटेगरी में आ गए. तो अगर मैं इसके लिए कैलकुलेशन करूंगी तो कैसे करूंगी, 4 × 0.35. अब आ गया, इसलिए मैंने कहा था अपन एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा. हाँ है ये एस सब शेल, SPDF 4 सब शेल है. ठीक है, SPDF. S स्फेरिकल होता है, पढ़ा है ये? P क्या होता है? नहीं, डम्बल. P क्या होता है? डम्बल शेप. D कैसा होता है? डबल डम्बल. और F कैसा होता है? कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स शेप का है ना, उसमें 3 लोब्स आ जाते हैं, अलग हो जाते हैं. ठीक है, तो SPDF 4 सब शेल है. तो हम इसमें हमने बात करी एस और पी की इस वाली कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में हमने बात करी डी और एफ की. कहाँ गई ये डी और एफ के, समझ में आया? करें एग्जांपल. ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले एक छोटा एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3. सबसे पहले लिखना है इसका कॉन्फिग्रेशन. तो कॉन्फिग्रेशन लिखने में मैंने आपको बता रखा है आवभाव स्कीम याद रखनी है आपको, हर एक की कैपेसिटी याद रखनी है. एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14. तो वो सीक्वेंस याद रखनी है आवभाव की और ये कैपेसिटी याद रखनी है. ठीक है, ये दो चीज़ें करनी है. तो आपको फिल कितने करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स. सबसे पहले कौन फिल होगा, 1s. 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2.
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आया 1s 2, तीन में से दो आपने 1s में फिल कर दिए, अब बचा कितना, एक, वो किस में जाएगा, 2s में, 1s की बात कौन आ गया, 2s, इसका आ गया 1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ठीक। अब आप स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पर निकालोगे, इस पर निकालोगे ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पर निकालोगे, इस पर, कौन से एस का है, ये वाले रूल फॉलो होंगे, तो आपने देख लिया कि भाई आप जिस पर निकाल रहे हो वो एस सबशेल का है, तो वो फर्स्ट कैटेगरी की बात हो रही है। क्या इसको छोड़कर कोई और इलेक्ट्रॉन है इसमें, नहीं, तो फर्स्ट पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो ये वाला पॉइंट था फॉर अदर एन एस एन पी इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, जो इसके इसको छोड़ के बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन माइनस वन में है, भाई ये तो हो गया एन, ये हो गया एन माइनस वन, तो एन माइनस वन का रूल क्या कहता है कि जितने भी n माइनस वन के इलेक्ट्रॉन है सब के लिए 0.85 है, तो n माइनस वन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो 2 इंटू 0.85, ये हो जाएगा इसका सिग्मा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, फटाफट से कैलकुलेट करो कितना है, 1.7, ठीक। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस पर जो चार्ज लगना चाहिए था, ये लगना चाहिए था ना, तीन प्रोटॉन के बराबर चार्ज लगना चाहिए था ना, तीन प्रोटॉन के बराबर चार्ज ना लगकर इतना चार्ज लग रहा है, मतलब 3- ये करना पड़ेगा आपको, भाई लगना कितना चाहिए था, इतना, इनकी वजह से सिग्मा की वैल्यू कितनी बनी, इतनी। तो अगर आप इसका जेड इफेक्टिव निकालोगे तो जेड इफेक्ट कितना आएगा, जेड माइनस सिग्मा, यानी 3-1.7, इतना उसका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, कैसे निकालना है सिग्मा सबको, आप एक एग्जांपल आप खुद करोगे, हैं बच्चे, बेटा इस पर तो निकाल रहे हो ना, इस पर तो निकाल रहे हो ना, इसका खुद का इफेक्ट थोड़े ना कुछ होगा, खुद पर थोड़ा ना कोई इफेक्ट होगा, इनका इफेक्ट इस पर पड़ रहा है ना, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, आप निकाल रहे हो इस न्यूक्लियस का चार्ज इस वाले इलेक्ट्रॉन पर, राइट, लगना कितना चाहिए था, तीन प्रोटॉन के बराबर लगना चाहिए था, तीन के बराबर चार्ज लगना चाहिए था, पर इन दोनों की वजह से चार्ज क्या हो गया, कम, तो आप इफेक्ट तो इनका देखोगे ना, इसलिए इन पर लगाओगे। क्या ये समझ में आ रहा है सबको, श्योर, कोई डाउट है, लग रहा है मुझे आपकी शक्ल देख करके कोई डाउट है, ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा, यू कैन आस्क मी, आ रहा है, और दो तीन एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब आप अपने आप एक एग्जाम्पल करोगे, चलो इसके नीचे कौन है, कौन सा एलिमेंट है लिथियम के नीचे, सोडियम पर निकाल लो फटाफट, निकालो अपने आप सोडियम पर, सारे रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, निकाला, कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, मुझे ऐसे याद नहीं है बेटा, मुझे याद थोड़े ना है, अभी निकाल लेते हैं अपन, आपको बस रूल्स फॉलो करने हैं, आपने निकाला, सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने सोडियम का,
चेक करो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है आपने, ये लिखा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पर निकालोगे, इस पर निकालोगे, तो इसको तो छोड़ दो, ठीक। एस वाला इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया आपका एन माइनस वन, तो आप चाहो तो इसको ऐसे ग्रुप कर सकते हो और इसको अलग ग्रुप रख सकते हो, है ना। इस पर निकाल रहे, इनकी वजह से एन माइनस वन वाला रूल फॉलो होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एट। सिक्स दिख रहे हैं, एट, एट इंटू 0.85 प्लस ये अंदर वाले आ गए तो 2 इंटू 1। नहीं क्या है बच्चे, हाँ तो यही तो है n माइनस टू, ये हो गया n। कहाँ आप पूछो डाउट क्या है, पूछो 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 पूछो, आने दो आने दो। कैसे आया, इस पर निकाल रहे, इसको तो छोड़ देंगे, ये n माइनस वन, ये n है तो ये n माइनस वन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, एट। कितने इलेक्ट्रॉन है, एट। हर एक n माइनस वन के लिए वैल्यू कितनी है, तो मैंने क्या किया 0.85 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, फिर ये क्या आ गया n माइनस टू, है ना। हर एक n माइनस टू के लिए कितनी है, 1। कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सिग्मा क्या आ जाएगा, इसको टोटल ऐड कर दोगे आप, जो भी आएगा, जो भी आएगा। आया समझ में, एक डी का एग्जाम्पल करते हैं अपन, क्योंकि एस का हो गया, जैसा एस का है वैसे ही पी का है, ठीक है। या चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं जिसमें यहाँ पर भी एक से ज़्यादा हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो सोडियम के पास कौन है, मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लो, करो अपने आप। यह आएगा कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप बना लो इनके, हाँ हाँ जो ये वाला है, हाँ मतलब इसमें फर्स्ट पॉइंट भी एप्लीकेबल है। इन दो में से एक पर तो निकाल रहे हो, तो दूसरे का इफेक्ट तो करोगे ना आप कैलकुलेट, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1। बोलो आ रहा है समझ में सबको। अब एक डी वाला एग्जाम्पल कर ले, तो लेट्स से आपने लिया जिंक, अटोमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले, ऐसे मत लिखो, हाँ ऐसे लिखोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे। लिखा कॉन्फ़िगरेशन, देखो चेक करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2। फिल होने में 4s पहले फिल होगा, 3d बाद में, लेकिन जब हम लिखेंगे तो पूरे शेल को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। फिल होने में सीक्वेंस आगे पीछे रहेगी एनर्जी वाइज, 4s पहले फिल हो रहा है, 3d बाद में फिल हो रहा है, पर लिखने में आप पूरा पूरा शेल एक साथ लिखोगे, एटम में तो पूरा शेल एक साथ है ना, ठीक। अब आप किस पर निकाल रहे हो, अब इसमें अपन दो केस करते हैं। पहला, सपोज मैं आपको बोलूं 4s पर निकालो, जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है उस पर निकालो,
कैसे निकालोगे? अब वो डी वाली कैटेगरी फॉलो होगी, है ना? इसके लिए तो एस वाली कैटेगरी फॉलो होगी, जब इस पर निकालेंगे तो डी वाली कैटेगरी फॉलो होगी। तो एस वाले में एक जो बचा उस पर कितना लगा? 0.35 प्लस, ग्रुप बना लो ऐसे, ये इसके अंदर वाला शेल, ये और भी इसके अंदर वाला शेल, ये और भी इसके अंदर वाला शेल, तो ये हो गया एन माइनस वन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। क्या करोगे? 18 × 0.85 प्लस उसके अंदर के सारे जितने भी हैं सबके लिए 1, तो सारे कितने? 10। तो 10 × 1। ये तो किस पर निकाला है हमने? एस वाले पर निकाला है। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि आपकी शक्ल पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैम ये क्या कर रहे हो आप? कुछ समझ नहीं आ रहा। पूछो कौन सा स्टेप समझ नहीं आया? क्या ये रूल सारे समझ में आए? हाँ। अब कौन सा स्टेप इसमें नहीं समझ में आया बताओ? हाँ ये वाला देखो, रूल पढ़ो, ये वाला पॉइंट पढ़ो। फॉर एवरी एन माइनस टू एंड अदर इनर इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे एक साथ आ जाएंगे। तो एन माइनस टू कौन सा था? ये था। और अदर इनर मतलब एन पर लगाया, एन माइनस वन पर लगाया, और उसके बाद वाले सारे एक जैसे। तो ये सारे एक जैसे कितने? 10। इनके लिए वैल्यू क्या है? 1। बोलो बोलो जो भी है। ठीक, अब आप खुद लगाओ डी पर, अपने आप कोशिश करो 3D के एक इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट निकालो। आपको लगता है मैंने सारी वैल्यूज घोट के पी रखी है, मेरे को याद है जो आप ऐसे पूछ रहे हो और मैं बोलूंगी हाँ सही है। अभी मैं कैलकुलेट करूंगी, आप देखना, अगर आपने सही लगाया है तो सही होगा, कैलकुलेशन सही करिए तो सही होगा। कोशिश करो, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगी, पर आप कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद है क्या किसी को ये पूरी कविता? बहुत अच्छी है मैडम, ये वाली कविता याद नहीं है हमको, दूसरी कविताएं याद होती हैं हमें। निकाला, डन डन, आप बताओगे? बताओ, हम डी पर निकाल रहे हैं ना, बताओ। 17 × 0.35 सही है क्या? देखो इस पर निकाल रहे हो ना, इस 10 में से एक पर निकाल रहे हो, बाकी कितने बचे? 9, है ना? इन 9 की वजह से इफेक्ट कितना होगा? 0.35। ठीक, और ये बाकी के जितने भी हैं इन सब की वजह से कितना होगा? 1। तो आप इसके लिए कैसे निकालोगे? 9 × 0.35 प्लस बाकी कितने बचे? 18 × 1। इसका क्या? इसको तो हमने लिया ही नहीं, इसको तो हमने लिया ही नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बाहर है ना। फर्क किसका पड़ता है? इनर वालों का। जो बाहर है उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका कोई रोल इस काम में नहीं है। बेटा 10 में से एक पर निकाल रहे हैं, 10 में से एक पर निकाल रहे हैं, बताओ 10 − 1 कितना होता है, है ना? तो 10 में से एक पर निकाल रहे हैं, बाकी 9 का फर्क इस पर पड़ रहा है, तो 9 के लिए वैल्यू लिखिए। अगर यहां होता किसी कॉन्फ़िगरेशन में, लेट्स से 3D 5, तो 5 में से एक पर निकाल रहे होते, बाकी 4 × 0.35 कर रहे होते। कहां पे? 4S के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर आप निकाल रहे हो उसके राइट में जो भी प्रेजेंट है, उसके बाहर जो भी है, उनका कोई फर्क नहीं है। ये जो फर्क, ये जो इफेक्ट है, ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का है। इसके इसके रिस्पेक्ट में इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कौन है? ये वाले। ये तो आउटर हो गया, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई इस बच्चे के पीछे तुम बैठे हो या कितने और बच्चे बैठे हैं, इसको थोड़ा ना फर्क पड़ रहा है, इसको तो फर्क नहीं पड़ रहा ना। आपके पीछे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, आपको कोई फर्क? आगे जो बैठा है, सपोज वो आपसे लंबा हुआ, तो आप ऐसे ऐसे करके देख रहे हो, फर्क पड़ा ना, बस यही बात है। तो आपके आउटर में कौन है उससे कोई फर्क, इनर में फर्क पड़ेगा, इसलिए इनका कोई रोल नहीं है। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, आया समझ में? अब जेड कैसे, जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? ये तो सिग्मा की बात हुई कि हमने सिग्मा निकाला। जब आपने सिग्मा निकाल लिया तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालोगे? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो जो भी सिग्मा की वैल्यू निकली है उसको उसके एटॉमिक नंबर में से क्या करना है, माइनस, तब एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज आपको पता चल जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको पता चल जाएगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ठीक, अब सबके लिए वैल्यूज हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, मैं आपको सीधे ट्रेंड बता देती हूँ कि क्या है। तो जो सिग्मा की वैल्यू है अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, सिग्मा अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो ऐसे, तो सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, जब आप डाउन द ग्रुप चलते हो, डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, तब भी सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होती है। एंड इट इज वेरी ऑब्वियस, जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। जब आप टॉप टू बॉटम चल रहे हो तब भी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो सिग्मा तो बढ़ेगा। लेकिन जेड इफेक्टिव, ट्रेंड इन जेड इफेक्टिव की अगर बात करें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे चेंज हो रहा है, तो अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, है ना? ये न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन यू आर मूविंग अक्रॉस अ पीरियड तो बढ़ता जा रहा है, यानी ज्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियस क्या कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, तो डाउन अ ग्रुप जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सिग्मा तो बढ़ रहा होता है लेकिन जेड भी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू आती है वो लगभग लगभग क्या आती है, सेम। क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? ठीक है, तो जेड इफेक्टिव का ट्रेंड ये है और सिग्मा का ट्रेंड ये है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेशन बेस आता है, तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, वो याद रखना। ठीक, इम्पॉर्टेंट मार्क, इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके इसको लिख लो या ट्रिक करके लिख लो, जैसे भी तुम्हें लिखना है वैसे लिख लो। जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो फॉर एवरी मूवमेंट, मतलब आप थ्री से फोर पर गए, फोर से फाइव पर गए, तो सिग्मा या बोलो कि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.65। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है ना लेफ्ट टू राइट चलने पर, तो जेड इफेक्टिव जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो हर एक पॉइंट पर कितना इंक्रीज हो रहा है, 0.65। भाई हर बार इतनी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ना, उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ये तो होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए। अगर आप डी ब्लॉक की बात कर रहे हो, फॉर डी ब्लॉक, सपोज आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो डी सीरीज में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, डी सीरीज में आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.15।
Z effective increases by 0.15. अगर आप डाउन द ग्रुप चल रहे हो, कहाँ? फ्रॉम सेकेंड पीरियड, फ्रॉम सेकेंड पीरियड टू थर्ड पीरियड, फ्रॉम सेकेंड पीरियड टू थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड टू थर्ड पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, आप लिथियम से सोडियम पर आए. लिथियम सेकेंड पीरियड का है, सोडियम थर्ड पीरियड का है, तो आप लिथियम से चल के कहाँ आ गए? सोडियम पर. ये तो हुआ सेकेंड पीरियड और ये होता है थर्ड पीरियड, तो यू आर मूविंग फ्रॉम सेकेंड पीरियड टू थर्ड पीरियड. मतलब आप ग्रुप में नीचे आ रहे हो ना, है ना? जैसे आप बेरिलियम से चल के नीचे मैग्नीशियम पर आए, तो यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप. और कहाँ? सेकेंड पीरियड से चल के आप कहाँ आ रहे हो? थर्ड पीरियड. तो जो जेड इफेक्टिव होगा, जो जेड इफेक्टिव होगा, दैट विल इंक्रीज बाय 0.9 फ्रॉम सेकेंड पीरियड टू थर्ड पीरियड. अगर आप थर्ड पीरियड के बाद चल रहे हो तो वो कांस्टेंट रहता है, हमने लिखा है ना, कांस्टेंट रहता है. सेकेंड से थर्ड में आओगे तो इतना इंक्रीज होगा, लेकिन थर्ड के बाद वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट. सो आफ्टर थर्ड पीरियड, आफ्टर थर्ड पीरियड इट रिमेन्स कांस्टेंट. जेड इफेक्टिव रिमेन्स सेम, जेड इफेक्टिव रिमेन्स सेम. अब बहुत ईजी है कैलकुलेट करना. देखो, एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से. सपोज क्वेश्चन में दे रखा है कि लेट्स से आपके पास कैल्शियम है और कैल्शियम का जेड इफेक्टिव एक्स है. कैल्शियम का जेड इफेक्टिव एक्स है, वो आपसे कह रहा है फाइंड जेड इफेक्टिव फॉर बोरॉन. एक बार कोशिश करो, एक मिनट लो, कोशिश करो. कैल्शियम का जेड इफेक्टिव एक्स है, आपको बोरॉन का जेड इफेक्टिव निकालना है. जो ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसी के बेसिस पर आ जाएगा. मतलब बिना पेन चलाए कैसे तुम लोगों का आंसर आ जाएगा? हैं, हवा में? इतने होशियार अपन, इतने टैलेंटेड. देखो, ये सारा खेल किसका है? पोजीशन का है ना, कौन कहाँ प्रेजेंट है. आप क्या पीरियड में चल रहे हो, या आप ग्रुप में चल रहे हो, आप डी सीरीज में चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो, ये सारा पोजीशन का खेल है ना. तो पहले इन दोनों की पोजीशन तो रिलेट करो. नहीं, देखो, ये रहा बोरॉन. बोरॉन के पहले कौन है? बेरिलियम. इसी ग्रुप में तो मैग्नीशियम आएगा, तो बेरिलियम के नीचे कौन है? मैग्नीशियम, और सॉरी कैल्शियम. मैग्नीशियम और उसके नीचे कौन है? कैल्शियम. अब ये रही इनकी पोजीशन, ये रहा कैल्शियम जिसके लिए आपको दे रखा है एक्स, और इस पर निकालना है. ठीक, ये है आपका सेकंड पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड, और ये आपका फोर्थ पीरियड. तो जो कैल्शियम का जेड इफेक्टिव है एक्स, वही मैग्नीशियम का होगा, क्योंकि थर्ड के बाद तो कांस्टेंट है. थर्ड के बाद कांस्टेंट है, तो जो कैल्शियम का जेड इफेक्टिव है वही मैग्नीशियम का होगा, राइट? बेरिलियम का जेड इफेक्टिव क्या होगा? एक्स माइनस 0.9, क्योंकि नीचे बढ़ रहा है तो ऊपर जाने में कम करूंगी. नीचे 0.9 से बढ़ रहा था, अब मैं नीचे से ऊपर जा रही हूं तो माइनस 0.9 कर दूंगी, और इधर से इधर जब जाऊंगी तो प्लस 0.65 करूंगी. तो एक्स माइनस 0.9 प्लस 0.65 ये आ जाएगा. भाई आएगा x के टर्म्स में, क्योंकि आपको x की वैल्यू थोड़ी ना गिवन है. और अगर पूरी वैल्यू है तो आप पहले कैल्शियम का निकाल सकते हो, जो मैंने पहले वाले रूल्स बताए. कैल्शियम का निकाल लिया, उसके बाद 0.9 माइनस कर दिया, प्लस 0.65 कर दिया.
बोलो मेरे बच्चों, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो पूछो, किसी को भी नहीं आया तो पूछ लो। मैम दोबारा समझा दो, धीरे समझा दो, ये वाला पॉइंट समझा दो। बी फ्री, मतलब मैडम कंप्लीटली ना तुम्हारी हैं। देखो कितनी बड़ी मुस्कान आई उसके चेहरे में। मैं यहाँ पर खड़ी आपके लिए हूँ बेटा, अपने लिए थोड़ा खड़ी हूँ। आई एम हियर फॉर यू पीपल, यू कैन आस्क मी द डाउट एन नंबर ऑफ टाइम्स। नहीं आ रहा समझ में, छोड़ो मत, बताओ, पूछो। हाँ बेटा, इसका एक्स है तो इसका भी क्या होगा, एक्स, क्योंकि थर्ड पीरियड के बाद क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो इसका एक्स है तो इसका भी एक्स होगा। जब मैंने कहा सेकंड से थर्ड पे जाओगे, सेकंड से थर्ड पे जाओगे तो प्लस 0.9 हो जाएगा। अभी यहाँ तक तो मैं आ गई एक्स लेकर, मैं तो उल्टा जा रही हूँ ना, मैं मैग्नीशियम से कहाँ जा रही हूँ, बेरिलियम, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ऊपर जाने पर कम हो रहा है, नीचे जाने पर बढ़ रहा है, तो x माइनस क्या हो गया बेरिलियम का, x माइनस 0.9। अब जब आप बेरिलियम से बोरॉन पर जाओगे, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो वो इंक्रीज हो रहा है 0.65। तो बेरिलियम का x माइनस 0.9 था, जब आप लेफ्ट टू राइट गए तो प्लस 0.65 हो गया। अब आ गया समझ में सबको? ठीक है, तो हमें बार 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 लिख कर करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें तो ऐसी शॉर्ट में ही आ जाएंगी। ये क्लियर है? ठीक, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं अपन। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस, सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी एटॉमिक रेडियस। अब फॉर सिंप्लिसिटी हमने एटम को कैसा माना है, स्फेरिकल, फॉर सिंपल रीजंस कि कन्वीनियंट हो पढ़ाई करने में, हमने एटम को कैसा मान लिया, स्फेरिकल। तो अगर उसके साइज की बात करनी है सपोज हमें, तो किसी भी स्फेयर का साइज हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। जिसका जितना ज़्यादा रेडियस होगा मतलब उसका साइज उतना बड़ा है ना। तो एटम को भी हमने क्या मान लिया, स्फेरिकल मान लिया। तो हम अलग अलग एटम का साइज किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, सेंटर, एटम के सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लेकर सर्कमफ्रेंस क्या है एटम का, बाउंड्री क्या है एटम की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल। तो न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होगा वो उस एटम का क्या हो जाएगा, रेडियस। जिसका रेडियस जितना बड़ा उसका साइज उतना बड़ा। क्लियर, इजी, यस। तो एटॉमिक रेडियस इज व्हाट, हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इज एक्सप्रेस्ड, एटॉमिक साइज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। आपस में बात नहीं करो, मुझसे बात करो। अगर मैं यहां पर खड़ी हूं तो आप आपस में बात नहीं करोगे, आपको जो भी बातें करनी है, जैसी भी, अच्छी बुरी, एंटरटेनिंग, बोरिंग, वट एवर, आपको मुझसे बात करनी, बोलो। हैं जी, कहां पर, ये वाले पॉइंट में, आफ्टर, आफ्टर थर्ड पीरियड, ये नहीं आ रहा था, आफ्टर है, इतनी खराब राइटिंग है क्या मेरी, है इतनी खराब है क्या, मतलब तुम ये भी नहीं बोल रहे, नहीं मैम राइटिंग आपकी खराब नहीं, बहुत अच्छी है, कुछ नहीं, थोड़ी सी तारीफ कर दोगे तो कुछ हो जाएगा तुम्हारा, बताओ। चलो, एटॉमिक साइज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस होगा क्या, एटॉमिक रेडियस, बोलो क्या, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस, इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस
टू द बैलेंस शेल. From the nucleus to the valence shell. So nucleus से लेकर valence shell तक का distance अगर simply atom को ऐसे बनाया जाए और उसमें center बना दिया जाए, ये nucleus, ये हो गया उसका outer shell, तो ये वाला जो distance होगा ये क्या हो जाएगा, atomic radius. Very simple. ठीक. अब क्योंकि ये distance है, इसके unit distance वाले ही आएंगे. Because it is a distance, इसके unit distance वाले ही होंगे ना, जैसे किलोमीटर, मीटर, ऐसे डिस्टेंस का यूनिट होगा. नहीं ना, एटम तो बहुत छोटा है ना, तो छोटे छोटे डिस्टेंस के यूनिट्स कौन से, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, सुने सारे, है ना. तो यूनिट क्या हो जाएगा एटॉमिक रेडियस का, यूनिट्स फॉर एटॉमिक रेडियस विल बी, इसके यूनिट्स आ जाएंगे कैसे, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम. ज़्यादातर ये तीन यूनिट्स यूज होते हैं. आई होप इनका रिलेशनशिप मीटर से आपको पता है. वन एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर. पिकोमीटर इक्वल्स टू 10^-12. और नैनोमीटर, नैनो 9, 10^-9 मीटर, है ना. ये हमें पता होना चाहिए. तो एटॉमिक रेडियस के यूनिट्स इस तरीके से चलेंगे. बताओ, क्लियर. पर दिक्कत की बात यह है कि हम किसी भी एटम का साइज एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. बातें तो हमने इतनी इतनी बड़ी बड़ी कर ली, पर जब प्रैक्टिकली एटम का साइज आप मेजर करने जाओगे, उसका रेडियस आप मेजर करने जाओगे, तो आप एक्यूरेटली कभी भी उसका रेडियस मेजर, क्यों, क्योंकि एटम की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है. एटम है क्या, उसको कैसे इमेजिन करते हो आप. एटम एक एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, न्यूक्लियस. क्योंकि वो पॉजिटिव है, उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अपनी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते उसने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रखा है, अट्रैक्ट. ठीक. न्यूक्लियस के दूर दूर तक भी पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो. क्या ये पॉइंट समझ में आया, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी लेस. कि भाई जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी कम होती जा रही है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि बस ये एटम की बाउंड्री यहीं खत्म हो गई, इसके बाद इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट इसमें नहीं होगा, ये हम नहीं बोल सकते. मतलब एटम की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है. वन. दूसरा, एक अकेला एटम नोबल गैसेस को छोड़ के किसी भी एलिमेंट का एक अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा. आप उसे आइसोलेट नहीं कर सकते, वो किसी ना किसी बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, किसी ना किसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. चाहे वो खुद से ही बॉन्ड बना ले, एच और एच एच टू बन जाए, चाहे एच और सी एल बन जाए, पर वो बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा. तो आप अकेले एक अकेले एटम को आइसोलेट करके कि मैं इसका रेडियस निकाल दूं, ये आप कभी नहीं कर सकते. जब ये बॉन्डेड फॉर्म में होगा तो इस बॉन्ड का फर्क भी तो पड़ेगा ना इसके रेडियस पर. अगर आप किसी के साथ प्रेजेंट हो तो उसका फर्क तो पड़ेगा ना आपकी प्रॉपर्टीज पर. तो ये कैसा बॉन्ड बना रखा है, इस बात का फर्क पड़ता है उस पर्टिकुलर एटम के रेडियस पर, इसलिए भी एक्यूरेटली आप उसको नहीं निकाल सकते. फिर सपोज आपने हाइड्रोजन गैस ले ली एक जार में, तो क्या उसमें एक मॉलिक्यूल होगा, उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना. तो इस वाले मॉलिक्यूल पर दूसरे मॉलिक्यूल का भी तो फर्क पड़ रहा होगा भाई. इसके इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन चल रहा होगा, है ना. इसके इसके न्यूक्लियस का रिपल्शन चल रहा होगा, इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से भी चल रहा होगा, इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से भी चल रहा होगा. तो इंटरैक्शन तो हो रहा होगा ना, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर फर्क पड़ रहा होगा ना, तो इसके साइज पर भी फर्क पड़ेगा. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस कि भाई हमें एक सिंगल एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते, उसमें प्रेजेंट बॉन्ड का फर्क उस पर पड़ेगा, उसके सराउंडिंग का उस पर फर्क पड़ेगा, उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेजर द एटॉमिक साइज एक्यूरेटली. कि इसका एटॉमिक साइज ये है, हम ये नहीं बोल सकते. हम क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस करते हैं. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है. अब अगर मैंने कहा कि ये बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सपोज ये एक एटम है और इसने इस दूसरे एटम से बॉन्ड बना रखा है. अब मुझे लेट्स से ये ए है और ये बी है, मुझे आर ए निकालना है. कैसे निकालूंगी,
जनरल तरीका बता रही हूँ मैं आपको निकालने का. कैसे निकालूंगी मैं? सिर्फ आर ए तो नहीं निकाल सकती क्योंकि मुझे ऐसा मिल ही नहीं रहा, ये तो मुझे बॉन्डेड स्टेट में मिल रहा है. तो हम क्या करते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर कर लेते हैं. टेक्निक्स हैं अपने पास ये करने की, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेट कर लेते हैं. लेट्स से मैंने इसको बोल दिया डी, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है मैंने इसको बोल दिया डी ए बी. तो ये डी ए बी क्या है, आर ए प्लस आर बी तो है. ये रहा आर ए और ये रहा आर बी. तो अगर मुझे आर ए निकालना है तो इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मैं क्या कर दूं, हाफ. तो हम क्या करते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करते हैं किसी टेक्निक से और फिर उसको क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं. तो हमें अंदाजा लग जाता है कि उस एटम का रेडियस इतना होगा. एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें डेफिनेटली लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें अंदाजा होना चाहिए ये वाला एटम छोटा है, ये वाला एटम बड़ा है, ये अंदाजा होना चाहिए. क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक. अब जैसा मैंने कहा कि ये जो बॉन्ड बना रहा है इसका फर्क इसके रेडियस पर पड़ेगा, तो हमने बॉन्ड के हिसाब से एटॉमिक रेडियस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. अगर उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है तो हमने बोला कोवेलेंट रेडियस, अगर उसने मेटालिक बॉन्ड बना रखा है तो हमने बोला मेटालिक रेडियस, और अगर उसने वैंडरवॉल अट्रैक्शन वो शो कर रहा है तो हम बोलते हैं वैंडरवॉल रेडियस. तो वो किस तरीके से बॉन्ड बना रहा है, वो किस तरीके से अट्रैक्टेड है दूसरे एटम की तरफ, उस हिसाब से हमने तीन कैटेगरी डिफाइन कर दी एटॉमिक रेडियस की. यस, तो आ जाएगा टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस. ये अगर लिखना हो तो लिख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना वो मैं आपको डिक्टेट करूंगी, डेफिनेशंस आपको डिक्टेट करूंगी, बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स अपने आप लिखते जाना. ठीक. सो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं हम. हाँ बोलो, कोई डाउट है? हाँ बोलो. हाँ जब आर ए प्लस आर बी किया तो डिवाइड में टू कैसे आ गया? अच्छा, ये जनरल तरीका था, अभी मैं बताती हूँ इसको. हमें मान के चलेंगे कि ये दोनों, अभी मैं बताती हूँ आपको, अभी बता देती हूँ. ठीक है भाई, आपका सवाल यही है ना कि जरूरी थोड़ा दोनों बराबर हो, दोनों का रेडियस बराबर हो, यही सवाल है ना, अभी बता देती हूँ. ये मैंने इसलिए कहा था ये जनरल है, जनरल तरीका है कि हम क्या करते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका आधा कर लेते हैं. दिस इज अ जनरल तरीका. एग्जैक्टली अभी बताती हूँ. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस में पहली कैटेगरी आ गई कोवेलेंट रेडियस. कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस का मतलब है जो एटम है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है दूसरे एटम से, है ना. द एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड. बॉन्ड थोड़ी बहुत आइडिया है बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, दो इलेक्ट्रॉन इसके तो दो इलेक्ट्रॉन इसके. और शेयरिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है एटम को? शेयरिंग करने के लिए एटम को क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट तो ना करेगा, शेयरिंग कर रहा है वो, देकर फिर शेयर करता है. शेयरिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें ओवरलैप करना पड़ता है. जैसे सपोज मेरे दो हाथ, दो एटम्स हैं, अभी दोनों अलग अलग हैं, कोई भी बॉन्ड नहीं बना हुआ है. अगर इनको कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी है तो इनको क्या करना पड़ेगा? ओवरलैपिंग. शेयरिंग करने के लिए कुछ कॉमन एरिया होना चाहिए ना, है ना. तो ये ऐसे सपोज ओवरलैप हो गए. अब ये जो ओवरलैप्ड एरिया है ये शेयर्ड एरिया है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके भी होंगे और इसके भी होंगे. तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा हम बोलते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो शेयरिंग के लिए ऑर्बिटल्स को क्या करना पड़ता है? ओवरलैप करना पड़ता है ना. ऐसे भी ओवरलैप कर सकते हैं, ऐसे भी ओवरलैप कर सकते हैं, सिग्मा एंड पाई. आया कुछ याद है? आया. ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना किससे? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो हम ये मान लेते हैं कि जो एटम जिसका हम रेडियस निकाल रहे हैं उसने दूसरे के साथ क्या कर रखा है? कोवेलेंट बॉन्ड. अब वो दूसरा कौन है उस पर डिपेंड करेगा.
तो इसमें दो कैटेगरीज आएंगी। अगर आप होमो न्यूक्लियर या होमो अटोमिक बोल सकते हैं, होमो अटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, यहीं से आपके डाउट का आंसर आ जाएगा। अगर आप होमो अटोमिक मॉलिक्यूल, होमो मीन्स सेम, ठीक है, होमो अटोमिक मतलब दोनों एटम सेम हैं, मॉलिक्यूल के दोनों एटम सेम हैं, तो यहां पर मैंने ए बी कंसिडर किया था ना, अगर मैं इसको ए ए मान लूं तो ये होमो अटोमिक हो जाएगा। जैसे H2, Cl2, O2, N2, जहां पर दोनों एटम मॉलिक्यूल के क्या है, सेम है, ए और ए का बॉन्ड है, ठीक। तो अगर होमोटोमिक मॉलिक्यूल है यानी ए टू मॉलिक्यूल है, या फिर हेट्रोअटोमिक मॉलिक्यूल है, बट हेट्रोअटोमिक मतलब दोनों अलग अलग हैं, ए और बी का है, पर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बताओ। हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ए बी मॉलिक्यूल हो गया, बट ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग क्या है, बराबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिनोट करते हैं हम एक्स से, हाँ काय, मैं फॉर सिंपल रीजन उसको एक्स लिख रही हूँ, वरना वो ऐसे हो जाता है काय, ठीक है, पर हम इसको एक्स लिखते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना। तो एक्स ए लगभग लगभग किसके बराबर है, एक्स बी के। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तुमने वो खेला है, वो रस्सा कशी, टग ऑफ वॉर, रस्सी को खींचते हैं, है ना, एक साइड इधर होती है, एक साइड इधर होती है, एक इधर से खींच रहा होता है, एक इधर से, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो रस्सी बॉन्ड, उस रस्सी को बॉन्ड मान लो, एक एटम इस तरफ है, एक एटम इस तरफ है, दोनों एटम में अपना अपना न्यूक्लियस है ना, पॉजिटिवली चार्ज, वो न्यूक्लियस उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो एक एटम इधर से खींच रहा है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, एक एटम उधर से खींच रहा है। ये जो खींचने की पावर है, ये जो खींचने की टेंडेंसी है, ये उस एटम की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। तो ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ए और बी के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया ना। अगर सिंगल बॉन्ड है यानी दो इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड है तो चार, मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, तुम और मैं रोक ही नहीं सकते पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन। तो इसके ये एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहे, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, ये वाला अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। तो हर एटम की अपनी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम या ज्यादा। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर, यस। अब मैंने मान लिया कि इन दोनों की नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग क्या है, बराबर, या तो ये सेम है, या अगर ये अलग अलग भी हैं तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये क्या आ गई, फर्स्ट कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी आ जाएगी क्या, हेट्रोअटोमिक है, हेट्रोअटोमिक मॉलिक्यूल है, यानी ए बी वाला केस है, पर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से क्या है, ज्यादा, यानी डिफरेंस ज्यादा है। तो या तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, या फिर है लेकिन ना के बराबर है, तो ये इसके जैसे ही बिहेव करेगा। और इसमें क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी अंतर है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आया ये पॉइंट? तो अगर ये पहले वाला केस है तो आप यही फॉर्मूला लगा सकते हो रेडियस कैलकुलेट करने में। अगर ए और ए का एटम है तो दोनों का रेडियस क्या है, बराबर, तो ये भी आ रहे और ये भी आ रहे, तो हम डिवाइड बाय टू कर देंगे, आधा निकाल देंगे। अगर ये ए और बी वाला केस है लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या है, बराबर, तब भी इन दोनों का रेडियस क्या होगा, लगभग बराबर, इसलिए भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है, इस कैटेगरी के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, DAB/2। जो दूसरी कैटेगरी है उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। एनी आइडिया, किसी को पता है, याद है, XA-, हाँ बिल्कुल सही। इस वाली कैटेगरी के लिए जब डिफरेंस है तब यहां पर एक इक्वेशन से आप रेडियस निकालते हो, दैट इज DAB
is equal to RA plus RB minus 0.09 XA minus XB, whichever is greater. Yani aapko iska sirf value magnitude lena padta hai, modulus lena padta hai. Jo bhi bada hai usme se dusre ko kya karna padta hai? Minus. और ये जो भी कैलकुलेशन, ये जो भी मेजरमेंट है, ये सारे एंगस्ट्रम में है. यूनिट हमेशा ध्यान रखना. आर ए, आर बी, डी ए बी, 0.09, इन सबका यूनिट क्या है? एंगस्ट्रम. ठीक. तो अगर हेट्रोटॉमिक है विद अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको ये फॉर्मूला लगाकर डी ए बी निकालना पड़ेगा. और फिर आप डी ए बी का क्या कर दोगे? 2/2. हाँ, तभी तो कोवेलेंट रेडियस निकलेगा ना. ये कोवेलेंट रेडियस थोड़ी ना है, ये तो ये है, ये तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है. तो कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डी ए बी बाय 2. इसलिए मैंने जनरल वही लिखवाया है. मतलब वो तो डिपेंड कर रहा है ना, आप डी ए बी कैसे निकाल रहे हो, आप 2 RA निकाल रहे हो या आप ऐसे निकाल रहे हो. अल्टीमेटली डी ए बी बाय 2 करना पड़ेगा. दिस इक्वेशन इज, क्या नाम है, किसने दिया था? शूमाकर. शू नहीं है, शो मार्कर है. एंड स्टीवेंसन इक्वेशन. शू लिख रखा है आपने. ज्यादा भारी लग रहा है क्या लेक्चर? लग रहा है ज्यादा भारी लग रहा है. ये सारी चीजें बिल्कुल याद नहीं है आपको, पहले की पढ़ी हुई बिल्कुल याद नहीं है. और आपके पीछे ज़्यादा भारी लग रहा है लेक्चर, फिर क्या हो गया? थक जाते हो इस टाइम तक? ये तो क्या थी बात, किसकी? कोवेलेंट रेडियस की. सेकंड कैटेगरी आ जाएगी, ये पहली कैटेगरी है टाइप ऑफ बॉन्ड के बेसिस पर. दूसरी कैटेगरी आ जाएगी मेटालिक रेडियस. मेटालिक रेडियस, मेटालिक या फिर बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस. सेकेंड टाइप का जो रेडियस आएगा बॉन्ड के बेसिस पर, दैट विल बी मेटालिक और क्रिस्टल रेडियस. तो ये हम निकालते हैं ऑब्वियसली मेटल्स में. ये तो आप किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल, नॉन मेटल की जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें निकाल सकते हो. ये आप निकालोगे मेटल्स के केस में, अगर आपको मेटल एटम का रेडियस निकालना है तो. और मेटल एटम का जो क्रिस्टल होता है उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? मेटालिक बॉन्ड. वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड था तो नाम कोवेलेंट रेडियस हो गया. यहाँ पर कौन से बॉन्ड की बात करेंगे? मेटालिक बॉन्ड की, तो मेटालिक रेडियस हो गया. अब मेटालिक बॉन्ड होता क्या है? अगर बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊँ तो, सपोज ये किसी मेटल एम का क्रिस्टल है, तो इसमें बहुत सारे एम के एटम्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे एम के एटम्स प्रेजेंट होंगे. पर हमने ये बात पढ़ी हुई है कि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की बहुत ज़्यादा है. वो बहुत इजीली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. तो अपने क्रिस्टल में भी ये जो मेटल एम एटम है, ये एटम के फॉर्म में प्रेजेंट ना होकर क्या करेगा? अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बाहर डोनेट कर चुका होगा. तो इसका सपोज ये एक एटम है, इसमें से इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. लेट्स से इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो इसने बाहर निकाल दिया. तो अब ये एटम ना रहकर क्या बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया ना. ठीक है, दूसरा था, दूसरे ने भी यही काम किया. तीसरा था, तीसरे ने भी यही काम किया. तो मेटल के क्रिस्टल में बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन्स होंगे विच आर ऑल सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स. सबने अपने अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन्स. इन पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन्स को बोलते हैं कर्नल्स. ठीक. अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन है, इसके आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये उससे अट्रैक्ट हो रहा होगा.
यस और नो, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, मतलब कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा होगा, वही मेटालिक बॉन्ड है। ठीक, अब बहुत सिंपल है, अगर हमको मेटालिक रेडियस निकालना है तो ये एक का कर्नल है, ये दूसरे का कर्नल है, एंड हम ये मानते हैं, वी सपोज के ये टच हो रहे होते हैं एक दूसरे को, दे आर सपोज टू टच ईच अदर। अब आपको क्या करना है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला और उसका क्या कर देना है, हाफ, क्योंकि तो सारे एक ही मेटल के आयंस है ना, वहां पर ऐसा कोई केस तो बनने वाला है नहीं। ये भी अगर मैंने मेटल सोडियम मान लिया तो ये भी Na+ है, ये भी Na+ है, ये भी Na+ है, सारे एक जैसे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर देना है, हाफ। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से। मेटालिक रेडियस इज द हाफ ऑफ, मेटालिक रेडियस इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू कर्नल्स इन अ मेटल क्रिस्टल, एंड वी सपोज, हमें मानते हैं कि कर्नल्स आपस में क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। कोई दिक्कत है? ठीक, थर्ड आ जाता है वैंडरवॉल रेडियस, थर्ड कैटेगरी आ जाती है वैंडरवॉल रेडियस, यानी यहां पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है, वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, आयन डायपोल 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 इस तरीके से चलता है, वो अपन बॉन्डिंग में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो सपोज मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, ये हो गया एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये इसके ऐसा आयन मत समझना, इसको मैं एटम बना देती हूँ, ये लो, ये हो गया एक मॉलिक्यूल, ये हो गया दूसरा मॉलिक्यूल। जैसे सपोज आपने एक जार में, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लिए, हाइड्रोजन गैस ले ली, तो बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है ना, तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, इसमें दो एटम्स हैं, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, इसमें दो एटम्स हैं, इनके बीच में भी तो कोई इंट्रैक्शन चल रहा है, जो आपको कह रही थी इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इंट्रैक्शन तो चल रहा है ना, इसी इंट्रैक्शन को बोलते हैं वैंडरवॉल रेडियस, मतलब वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपके पास दो क्या है, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, पास पास में मिलने वाले दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में तो चल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर तो क्या चल रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, यस, अगर मैंने ये निकाला इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और हाफ, तो ये तो कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में तो चल रहा है ना, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको इनका क्या करना है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालकर क्या करना है, हाफ, ये आ जाएगा वैंडरवॉल रेडियस। तो कैसे डिफाइन करेंगे वैंडरवॉल रेडियस को, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में ही मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पास में होते हैं, पढ़ा ना, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स और दूर हो गए, गैस में मॉलिक्यूल्स और दूर हो गए। तो हम जो भी सब्सटेंस है जिसमें हमें वैंडरवॉल रेडियस निकालना है, उसको कौन सी स्टेट में लेंगे, सॉलिड स्टेट, ताकि वो सबसे ज्यादा जितना पास में आ सकते हो उतना पास में आ जाए। फिर दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के, दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या करना है, हाफ। क्लियर? तो इसको लिख लो, वैंडरवॉल रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स
ऑफ टू नेबरिंग, नेबरिंग मतलब पड़ोसी है ना, टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट. तो वैंडरवॉल रेडियस विल बी, वैंडरवॉल रेडियस सपोज ये मैंने d मान लिया तो वैंडरवॉल रेडियस विल बी d बाय 2. मेटालिक रेडियस में मैंने ये d मान लिया तो मेटालिक रेडियस विल बी d बाय 2. जैसे नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस में तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता ना, मेटालिक बॉन्ड नहीं होता, लेकिन एटम्स तो हैं, तो एक का न्यूक्लियस दूसरे को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस, ये वाला काम तो चल ही रहा है, तो उसमें हम कौन सा कैलकुलेट करते हैं, वैन डर वाल रेडियस. नोबल गैस में आप कोवेलेंट रेडियस नहीं निकालोगे, नोबल गैस में आप मेटालिक रेडियस नहीं निकालोगे, उनका क्या निकालोगे, वैन डर वाल रेडियस. अब अगर हमें तीनों का कंपैरिजन करना है तो कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा होगा रेडियस, ऑब्वियसली देख लो ना, इसमें डिस्टेंस ज्यादा नजर आ रहा है ना, इसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, तो इनका सीक्वेंसेस इज इंपॉर्टेंट. वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होगा, फिर मेटालिक रेडियस और फिर कोवेलेंट रेडियस, जिसकी जितनी स्ट्रेंथ, भाई वैन डर वाल सबसे वीक फोर्स है, वीक फोर्स है तो एटम दूर दूर होंगे, तो डिस्टेंस बड़ा निकलेगा, उसका आधा भी बड़ा होगा. मेटालिक रेडियस इससे थोड़ा क्या हो गया, स्ट्रांग, तो उसमें एटम क्या हो गए, पास में, तो डी बाय टू कम. और कोवेलेंट में और भी पास में, ओवरलैपिंग हो रही है भाई कोवेलेंट में तो, है ना, तो उसमें एटम और भी पास आ चुके होंगे, उनका डिस्टेंस कम हो चुका होगा, हाफ भी कम आएगा. तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है. पूरी डेढ़ घंटे की क्लास में अब मुस्कुराइए, जब मैंने उसको देखकर गर्दन हिलाई ना कि हाँ टाइम हो गया, तब इसके चेहरे पर स्माइल आइए. क्लियर, श्योर, डीपीपी कर रहे हो साथ साथ, नहीं कर चुके हो, बचा ही नहीं है कुछ, ठीक है मैं क्वेश्चंस आपको और दे दूंगी, है ना. ओके गाइस, थैंक यू. हाँ है, नहीं मिली, किस किस को नहीं मिली, डीपीपी नहीं मिली, बस तुमको मिली है, तुम अलग दुनिया में चम रहे हो. अच्छा, तो बाकी सबको किसी को भी नहीं मिली है, ठीक है मैं बोल दूंगी.